want to take the lead in the environmental friendly projects at work? If you have relevant experience in the field, then you must become an expert in the field of sustainability by learning all the important topics. पर ऐसा होगा कैसे? ऐसा हो सकता है ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीवी टॉक्स के नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी पे, जिसमें हम समझेंगे कि ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी होता क्या है, इसकी ड्यूरेशन, सिलेबस पे भी बात करेंगे और आखिर में आपके मन में अक्सर उठने वाले सवालों का जवाब भी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी को समझने से। ये एक डॉक्टरेट प्रोग्राम है जिसे स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन करा गया है, जिसे वो बिना अपनी जॉब क्विट करे कर सकते हैं। इसे कंप्लीट करते ही आपके नाम के आगे डॉक्टर टाइटल भी ऐड हो जाता है। और हाँ, ये प्रोग्राम PhD प्रोग्राम के इक्विवेलेंट भी होते हैं और ये इंडिया में भी वैलिड है। आइए अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन इनरोल कर सकता है। अगर आपने अपना मास्टर्स किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्राम में। और अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट करा है तो आपके पास एटलीस्ट 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी के सिलेबस पे। सिलेबस की बात करें तो आपको इस प्रोग्राम में वो सारे ही टॉपिक सीखने मिलते हैं जो कि आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बनाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ एनर्जी सेक्टर, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, एनर्जी एंड सस्टेनेबल बिजनेस, एंटरप्राइज एंड सर्कुलर इकोनॉमी, और भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे ही आपको सिखाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ऑनलाइन डीबे एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो आपको इसे कंप्लीट करने में मिनिमम 3 to 5 years लगते हैं और वहीं PhD को कंप्लीट करने में आपको मिनिमम 5 to 7 years लगते हैं। चलिए अब आपको कुछ यूनिवर्सिटीज बताती हूँ जो कि आपको ऑनलाइन डीबे ऑफर करती हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं, जैसे कि रशफोर्ड बिजनेस स्कूल, गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी, वॉल्डन यूनिवर्सिटी, लिबर्टी यूनिवर्सिटी, थॉमस एडिसन स्टेट यूनिवर्सिटी और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं। चलिए अब आपके मन में अक्सर उठने वाले सवालों का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी इंडिया में वैलिड है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, फिलहाल ये प्रोग्राम UGC रिकग्नाइज नहीं है, पर अगर आप इसे किसी WES रिकग्नाइज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी की फीस कितनी होती है? फीस की बात करें तो इस प्रोग्राम की फीस वेरी करती है बिटवीन 8 lakhs to 13 lakhs। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम डॉक्टर टाइटल यूज कर सकते हैं ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी को कंप्लीट करके? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप प्रोग्राम को कंप्लीट करते ही अपने नाम के आगे डॉक्टर टाइटल ऐड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है इस प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ऑनलाइन डीबे इन सस्टेनेबिलिटी में इनरोल करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, बस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पर मेरा एक क्वेश्चन है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में से आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढेंगे? अरे घबराइए मत, हम है ना, बहुत ही आसान है। आपको बस कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे विजिट करना है, अपना प्रोग्राम चूज करना है और कॉलेज विद्या आपको वो सारी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देगा जो कि वो प्रोग्राम ऑफर करती हैं, और साथ ही में उन्हें आप कंपेयर करके उनकी फीस अप्रूवल्स भी देख सकते हैं, जिसमें से आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्यों, है ना आसान? तो अब चुनो वही जो है सही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ और पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए CV Talks।